Hello viewers, welcome to my channel. I'm Rashmi, your maths teacher. So NCERT Exemplar exercise 1.4 का question number solve कर रहे हैं हम 2. तो ये भी important question है. ये भी exam में repeat होता रहता है ये वाला question. तो prove that one and only one out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3, where n is any positive integer. तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? N कोई भी एक positive integer है. तो अभी तक हम जो भी question ले रहे थे उसमें हम किसको positive integer ले रहे थे? A और B दो हमारे positive integer है, जिसके लिए हम Q और R लिख रहे थे. तो आपको A की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? N दिया हुआ है. अब आपका B कौन होगा? क्योंकि B तो यहाँ पे कोई भी term इस तरह से दे ही नहीं रखी कि वो 6m plus R है या 4q plus R है, जिससे कि मैं B पता चल जाए. But आपको यहाँ पे क्या question की में दिया हुआ है कि divisible by किसे? 3 है. 3 से वो तो 3 यहाँ पे 3 से divide हो रहा है, मतलब 3 यहाँ पे क्या हो गया? आपका divisor हो गया. तो और divisor ही हमारा B होता है. तो ये question से मैं पता चल गया कि A तो यहाँ पे हमारा N है और B यहाँ पे हमारा 3 है. तो अब इन दोनों number से आप क्या कर लोगे? आपके कोई भी positive integer बना लोगे. फिर आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर बन रहे हैं वो उनमें से एक बार में एक ही से वो डिविजिबल होंगे, या तो वो एन से डिविजिबल होंगे. नहीं, एन की हमारी वैल्यू आएगी ना, तो आप देखोगे कि एक बार में, जैसे लेट के हमारा ए एन इक्वल टू पहली वैल्यू 3q आ गई, तो हम एन की जगह 3q रखोगे इन तीनों टर्म में. तो एक बार में 3 से या तो अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों नहीं होंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों नहीं होंगे, और ये डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों नहीं होंगे. तो एन की जितनी भी वैल्यू आएगी, उन एन की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे और चेक करोगे कि एक बार में एक ही नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, सारे नंबर या कोई भी दो नंबर एक साथ में 3 से डिवाइड नहीं होंगे. यही चीज़ हमें यहाँ प्रूव करनी है. तो पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स बना लें. इस बी की वैल्यू से देखते हैं हमारे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे बनेंगे. तो जैसे हमने सारे सॉल्यूशन स्टार्ट किए एज इट इज, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखा है. एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की कंडीशन है. तो लेट पॉजिटिव इंटीजर्स बी ए इक्वल टू एन, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए इक्वल टू एन ले लिया. एंड बी इक्वल टू 3, क्योंकि 3 हमारा डिवाइजर है, 3 से हमें डिवाइड करना है. तो ए इक्वल टू, जहाँ भी ए है वहाँ पे हमने एन पुट कर लिया, बी की जगह हमने 3 पुट कर लिया, आर में वैल्यू पुट किया. आर की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी इक्वल बट 3 से स्मॉल आएगी, तो यानी आर 0, 1, 2 हो गया. तो ये वैल्यू आर इक्वल टू 0 आपने यहाँ पुट किया, तो एन इक्वल टू 3q आ गया. आर इक्वल टू 1 पुट किया, 3q प्लस 1 हो गया. आर इक्वल टू 2 पुट किया, 3q प्लस 2 हो गया. तो देन द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म. तो यहाँ पे 3 हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2. अब आप एक बार n की वैल्यू 3q लोगे और इन तीनों में पुट करके देखोगे कि एक ही वैल्यू 3 से डिवाइड होगी. तो 3 केस यहाँ पे बन रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा पार्टीशन कर देती हूँ. तो नाउ वी चेक वेदर n n plus 2 n plus 4 इज डिविजिबल बाय 3. तो मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक बना लिए. अब 1 by 1 हम वैल्यू देखते हैं. फर्स्ट, जब n इक्वल टू हमारा 3q है, जब हम फर्स्ट वैल्यू हमारी n ही लेनी है, तो n ही n इक्वल टू 3q है. तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं है. ये 3 से आप डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा. अब चेक कैसे करोगे? q की जगह 1 पुट करो तो 3 आया, 3 into 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड है. क्यू की जगह 2 पुट किया, 3 into 2 6 डिवाइड है. 3 क्यू की जगह 3 पुट किया, 3 into 3 9, वो भी 3 से डिवाइड है. तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, नहीं तो आप रिमाइंडर देखते हो. यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका? 0 है, क्योंकि जब हमने आर इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 3q प्लस 0 आ रहा है. रिमाइंडर यहाँ पे 0, इसका मतलब ये 3 से कम्प्लीट डिवाइड हो रहा है. तो आप यहाँ पे लिखोगे सेंस एन कैन बी डिवाइडेड बाय 3, सो इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाय 3. तो फर्स्ट केस यहाँ पे हो गया, जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है. अब सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं n plus 2. सेकंड वैल्यू हमें यही देखनी है, n plus 2. तो n आपका कितना है? 3q है, और इसमें प्लस 2 कर दो. तो आप यहीं पे देखो, रिमाइंडर आपका यहाँ पे कितना आ रहा है? अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे 2 आ रहा है. या फिर सिंपल वही, q की जगह 1 पुट किया तो 3 into 1 3 plus 2 5 नहीं डिवाइड होता. 2 पुट करो तो 6 plus 2 8 नहीं डिवाइड होता. 3 पुट किया तो 9 plus 2 आपका 11 नहीं डिवाइड होता है. तो ये आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हेयर रिमाइंडर इज, ये भी रख सकते हो कि आप q की वैल्यू 1 पुट करके इसको सॉल्व करके दिखा दो, क्योंकि जस्टिफाई करना आंसर हो q डिवाइड नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो. रिमाइंडर यहाँ पे लिख सकते हो कि हेयर रिमाइंडर r इक्वल टू 2, या फिर ये लिखो व्हेन वी डिवाइड इट बाय 3 द रिमाइंडर इज 2, सो द वैल सो इट सो n plus 2 इज नॉट
divisible by 3. नाउ थर्ड केस यहाँ पे देखते हैं, एन प्लस 4. तो एन प्लस 4 यानी एन की जगह 3 क्यू प्लस 4 रखा. तो आप देखो 4 तो नहीं आता 3 के टेबल में, बट 4 से स्मॉल नंबर आता है, तो 3 क्यू 3, 4 से स्मॉल कौन सा, 3 आया. 4 माइनस 3 आपका 1 हो गया, यानी 4 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, क्योंकि ये तो टेबल में आता है बट ये टेबल में नहीं आता है. इसमें से आप 3 कॉमन ले लो तो क्यू प्लस 1 हो गया. इन दोनों में से कॉमन लिया, क्यू प्लस 1 प्लस 1 हो गया. यानी कि जब हम 3 क्यू प्लस 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये नंबर तो डिवाइड हो रहा है बट रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, 1. तो लिखोगे व्हेन वी डिवाइड एन प्लस 4 बाय 3 रिमाइंडर इज 1, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया. तो केस फर्स्ट में आप यहाँ पे देखो सिर्फ n इक्वल टू 3 क्यू ही हमारा यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं हो रहे. अब दूसरे दोनों केस और देख लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट जब n इक्वल टू आपका 3 क्यू प्लस 1 है, तो सेम रीज़न आप यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा व्हेन वी डिवाइड n इज बाय 3 द रिमाइंडर इज 1, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ लिख दिया मैंने सेम रीज़न जो पहले लिखा था. नाउ n प्लस 2, n की जगह अब आपकी वैल्यू है 3 क्यू प्लस 1 और प्लस 2 है, यानी n की जगह हमने 3 क्यू प्लस 1 पुट किया और ये 2, तो ये आपका हो गया 3 क्यू प्लस 3. तो दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, क्यू बच गया, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 इंटू 1 3 होता है, 3 बाहर चला गया, यहाँ 1 बच गया. तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 से 3 आपका यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं है. रिमाइंडर कितना है आपका, 0 है, कोई रिमाइंडर यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट में और 3 बाहर कॉमन है. अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ ये कैंसिल हो गया. तो आप यहाँ लिखोगे हेयर रिमाइंडर इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 3. ओके नाउ केस 3 देख, इसका थर्ड पार्ट देख. n प्लस 4, n की जगह 3 क्यू प्लस 1 प्लस 4, यानी कि ये हो गया आपका 3 क्यू प्लस 5. तो 5 तो टेबल में नहीं आता है बट 3 आता है, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2. तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी 5 को हमने 3 प्लस 2 की फॉर्म में लिख दिया. अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो क्यू प्लस 1 बच गया, प्लस 2 बच गया. तो जब आप डिवाइड कर रहे हो n को, यानी 3 क्यू प्लस 5 को डिवाइड कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है. तो आप रीज़न यहाँ पे लिखना, हेयर रिमाइंडर इज व्हेन वी डिवाइड n बाय 3, n प्लस 4 बाय 3 द रिमाइंडर इज 2, तो ये आपका नॉट डिविजिबल बाय 3 हो गया. ओके तो यहाँ पे इसके कंडीशन में कौन डिवाइड हो रहा है, सिर्फ n प्लस 2 ही आपका डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे n हो रहा था, यहाँ n प्लस 2 हो रहा है. नाउ थर्ड केस देखते हैं. फर्स्ट जब n आपका क्या है, 3 क्यू प्लस 2 है, तो यहाँ पे भी यही रीज़न है, 2 रिमाइंडर है, तो यहाँ पे नॉट डिविजिबल. रीज़न अब आप यहाँ से लिख लेना, नॉट डिविजिबल बाय 3. फिर नेक्स्ट सेकेंड आप यहाँ पे देखते हैं, जब n प्लस 2 है तो n की जगह रखा हमने 3 क्यू प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, n की जगह ये वैल्यू और प्लस 2, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 3 क्यू प्लस 4 हो गया. तो 3 क्यू प्लस 4 वाला रीज़न आप एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लोगे, ठीक है, n प्लस 4 के लिए जो हमने यहाँ पे लिखा था सेम आपको यहाँ पे सॉल्व करके इसी तरह से कॉपी कर लेना है. तो ये भी आपका क्या आ रहा था, नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो फिर थर्ड केस यहाँ पे आपका n प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा n की जगह रखो 3 क्यू प्लस 2 प्लस 4, तो ये हो गया 3 क्यू, 4 प्लस 2 हो गया 6. अब आप यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो q प्लस 2 बच गया. तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, क्योंकि अगेन आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0 है. तो इस कंडीशन में सिर्फ n प्लस 4 ही डिवाइड हो रहा है. तो आपने देख लिया, जब n इक्वल टू हमारा 3 क्यू था तब ये सिर्फ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब n इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 है तो n प्लस 2 डिवाइड हो रहा है, जब n इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 है तो n प्लस 4 डिवाइड हो रहा है. तो हमने यहाँ पे तीनों केस में चेक कर लिया कि एक बार में एक ही नंबर डिवाइड होगा, तीनों एक साथ या कोई भी दो एक साथ डिवाइड नहीं होंगे. तो वी कैन सी दैट इन ऑल थ्री केसेस
exactly one of the numbers and n plus 2 n plus 4 is divisible by 3. तो आपका इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको b क्या लेना है, a क्या लेना है वो देख लेना है, नंबर बना लेना है और जो भी नंबर आपको यहाँ गिवन है उनमें n की वैल्यू पुट करके आपको चेक करते जाना है. तो अभी इसी तरह के हम आगे और भी क्वेश्चन दिखेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 5, वो भी इसी तरह से है हमारा. क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 है, वो भी इसी तरीके से. तो अभी हम और भी इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया. अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.